So this is my video related to Jazz 4G mobiles and this term and condition. So hum janenge ke jo apna Jazz 4G mobile hai 2020 iski terms and conditions kya hai. Ye pamphlet aapko Jazz ki franchise se mil jayega. Wahan bhale hi likha hua hai ki ye 1799 rupaye ka hai, lekin actually iski amount 5000 के करीब बन जाती है, क्योंकि आपको हर माह आपको 300 रुपए का बैलेंस डलवाना जरूरी है. तो वो जो 300 रुपए का बैलेंस है उसके लिए आपको अलग से जैस की सिम लेनी पड़ेगी. अगर आप ऑलरेडी जैस की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप ऑलरेडी जैस सिम यूज करें तो वो वैलिड नहीं होगी, उसके लिए आपको अलग से नई सिम लेनी पड़ेगी. ये एक मतलब कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम नहीं चाहते कि हम रोज़ कोई ना कोई नंबर चेंज करें, सबके पास आपके नंबर होते हैं. तो अब देखते हैं कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है. जैज़ वाले क्या कहते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कहते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूसेज ऑफ 300 DD 4G बंडल इज़ मैंडेटरी फॉर 12 मंथ. कहते हैं कि जी जो 300 रुपये का बंडल है ना, जिस उस बंडल का नाम है, शायद इस बंडल का सुप्रीम बंडल है, तो इसमें आपको हर 12 माह तक आपको 300 का बंडल लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी ये डिवाइस और आपकी जो सिम है वो ऑफ कर दी जाएगी. बंडल फॉर मोबाइल बंडल एक्टिवेशन डायल *679#. ये उसका बंडल, जब आप 300, ये एक्चुअली 300 रुपये का बैलेंस नहीं होता, आप 350 का डलवाते हैं, क्योंकि वो टैक्सीज वगैरह कट जाते हैं, फिर जब मिला के 310-315 बचते हैं, तो एक्चुअली आप 350 का बैलेंस डलवाते हैं. तो उसके बाद ये आप *679 कोड डालेंगे तो आपका बंडल एक्टिव होगा. इंसेंटिव फॉर मोबाइल बंडल इज 1000 मिनट जैज़ बारी. कहते इंसेंटिव इसका फ़ायदा ये कि आपको 1000 जैज़ टू जैज़ या जैज़ टू वारी आपको मिनट्स मिलेंगे, जो से हम ऑनेट मिनट कहते हैं, और 1000 MB यानी कि 1 GB आपको इंटरनेट दिया जाएगा. अगर आपने अपना चेक करना है कि आपके पास कितना जैज़ टू जैज़ मिनट है, कितने SMS है या कितने MBs बाकी हैं, तो आप *679*2# जब उस पर मिलाएंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके इस वक्त कितने रिमेनिंग मिनट्स वगैरह चल रहे हैं. तो चेक रिमेनिंग इंसेंटिव फॉर व्हाट्सएप एंड फेसबुक डायल. अगर आप सिर्फ अपना व्हाट्सएप और फेसबुक का चेक करना चाहते हैं तो *659# है, ऊपर *679# है, और नेट के लिए *65# है. वैसे *679*2 भी डालें तो पता चल ही जाता है उससे भी. इट इज़ मैंडेटरी टू एक्टिवेट मोबाइल बंडल फॉर 12 मंथ टू अवॉइड हैंडसेट एंड सिम ब्लॉकिंग. वही बात जो मैंने शुरू पे कर दी, अगर आप चाहते हैं सिम ब्लॉक ना हो तो आपको 12 महीने तक वो करना पड़ेगा. जैज़ विल ब्लॉक द हैंडसेट इफ़ द बंडल एक्टिवेशन इज़ नॉट फाउंड इन एनी मंथ. अगर किसी महीने भी आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, चाहे आप 10 माह तक रहते हैं, लेकिन जो 11वें मंथ जाकर आप नहीं करवाते फिर भी आपकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, आपका फ़ोन ब्लॉक कर दिया जाएगा. इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ जैज़ सिम इन सिम. ये आपके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी जैज़ की सिम है वो *1 में हो, क्योंकि *1 ही 4G सपोर्टेड है, ये बात हम जानते हैं. एनी नेटवर्क सिम कैन बी यूज़. इसके अलावा जितनी भी दूसरी किस्म की दीगर नेटवर्क की सिम्स हैं वो आप *2 में, यानी कि जो सिम की SIM2 की जो स्लॉट है जहाँ सिम आप डालते हैं वहाँ आप यूज़ करेंगे सेकेंड सिम. 4G सर्विस विल बी सपोर्टेड बाय SIM1 स्लॉट एंड SIM2 विल बी सपोर्टेड 2G. SIM1 जो स्लॉट है वो 4G सपोर्ट कर रहा है और SIM2 जो है वो 2G सपोर्ट कर रहा है. तो उस पर भी जो है आप सिम नेट वगैरह चलेगा तो दुनिया को बता दो. नहीं जी, मैंने दुनिया को बता दिया. ये है इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस. ये है मोबाइल.